में हमारा चालू फीस में से पावर ऐसे निकाली हमने और वापस लगाया तो फीस ऑन हो गया। चौथे दिन में हम लोग CPU का काम किया और आज हमारा EMC का क्लास था और चालू फीस में से EMC निकल के रिवॉल्व करके वापस लगाया तो फीस ऑन हो गया। वन टाइम में चालू हो गया। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। क्या किया सर? हमारा तीसरे दिन का पावर का था, लाइव फोन में से पावर निकाल के लगाया था, फोन को ऑन किया था और फिर चौथे दिन हमारा CPU का था, लाइव फोन में से CPU निकाल के फिर से लगाया और फोन को ऑन किया। आज हमारा EMC का क्लास था और हमने लाइव फोन में से EMC निकाल के वापस लगाया और फोन वन शॉट में ही ऑन हो गया। थैंक यू एसेट टेलीकॉम। चलिए थैंक यू। बैटरी कहाँ? अरे चार्जर से होएगा सर। चार्जर बैटरी क्या बोलना है आपको? जी मैंने तीसरे दिन पावर ऐसे निकाल के चालू फोन में निकाल करके लगाए हैं तो ऑन हो गया था। फिर मेरा एक बार में थोड़ी ना होगा। जी मैंने तीसरे दिन बताइए क्या क्या किया आपने? जी मैंने तीसरे दिन पावर निकाल चालू फोन से पावर ऐसे निकाला और निकाल के फिर से लगाया तो ऑन हुआ। फिर चौथे दिन CPU निकाल के रिवॉल्व करके लगाया तो चौथे दिन भी सक्सेसफुल हुआ और फिर आज MMC का क्लास था, आज MMC निकाल करके रिवॉल्व करके लगाया तो सक्सेसफुल हुआ। यस सर, वन टाइम में एक ही बार में चालू हो गया सर। यस सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू। हाँ जी बताइए आपने क्या क्या किए? सर MMC का क्लास था, VCC और VCCQ का लाइन चेक किया सर और उसके बाद MMC को वापस लगा के ऑन किया। तीसरे दिन में आपने क्या किए? तीसरे दिन सर CPU किया था, पावर किए थे। चौथे दिन अपने CPU किए। जी सर। और आज आपका MMC का क्लास था। जी सर। जी बताइए क्या क्या किया आपने? सर हमने तीसरे दिन पे सर लाइव जो पावर ऑन फोन से पावर निकाल के फिर से लगाया, ऑन हुआ। चौथे दिन CPU निकाले, माउंट रिमाउंट। आज EMMC का आज क्लास था, MI6 से हमने ऑन किया, निकाल के लगाया, फिर से मोबाइल भी वर्किंग कंडीशन में। चलिए थैंक यू। जी बताइए आपने क्या क्या किए? तीसरे दिन हम लोग चालू सीट का पावर IC माउंट रिमाउंट किए और दूसरे दिन CPU और आज MMC की क्लास थी तो आज हम लोग चालू तो रिमाउंट किए और देखिए सेट ऑन हो रही है। इससे तुम थैंक यू। जी बताइए आपने क्या क्या किए? तीसरा दिन पावर किया था जी, चौथा दिन फिर CPU किया था जी, आज MMC का क्लास था माउंट एंड रिबन का जी, या तो मोबाइल अभी चालू है। चालू फोन से निकाले आप? चालू फोन से चालू हो गया। चालू हो गया, निकालना एक बार। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स एशिया टेलीकॉम। हेलो,
जी बताइए आपने क्या क्या किया। सर हमारे तीसरे दिन में पावर माउंट रिमाउंट किया था, चौथे दिन में सीपीयू रिवाल करके वापस से चालू फोन में लगाया था। आज एमएमसी की क्लास थी और एमएमसी हमने वापस से निकाल के लगाया चालू फोन पर और चालू है। थैंक यू एसिया टेलीकॉम। थैंक यू। बाद में करना उसको करो ना। जी बताइए दूसरे दिन तीसरे दिन अपने कहाँ किए। तीसरे दिन सीपीयू पावर किया। तीसरे दिन पावर किया जी। तो आज सीपीयू एमएमसी माउंटरी माउंट किया। सर चालू हुआ। हाँ चालू हुआ। कितने बार में चालू हुआ सर। एक ही बार में चालू हो गया। चलिए ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जी बताइए क्या किया आपने। एमएमसी निकाल के इसके रिबॉल करके दोबारा लगाई है। चालू था ये सर। एमएमसी क्लास की आज हमारी जी बहुत अच्छे से लगाई है। तीसरे दिन में आपने क्या किया। तीसरे दिन में पावर आईसी निकाल के लगाई थी, चौथे दिन सीपीयू लगाया था। एमएमसी का क्लास था आज। एमएमसी लगाया। चलिए कितने बार में जब डन हुआ। ये पहली बार में कर दिया था। चलिए ठीक है। थैंक यू। जी बताइए आपने क्या क्या किए। चालू वन में से एम से निकाल के रिबॉल करके वापस डाला है। तीसरे दिन में आपने क्या किए। और चौथे दिन में सीपीयू। आज आ रही एम सी क्लास था आपका। हाँ वन एक बार में जब डन हुआ। यस सर। ठीक है। थैंक यू। चालू हो गया था। बैटरी अच्छे से लगा लगाना। नीचे वाला है उसका। हो गया। हाँ जी बताइए आपने क्या क्या किए। जी सर जो ऑन फोन में से ईएमसी रिवॉल्व करके वापस लगाया है। तीसरे दिन में आपने क्या किए। जी सर तीसरे दिन में पावर आईसी रिवॉल्व किया था। और चौथे दिन सीपीयू। और आज आपका एमएमसी क्लास था। जी सर। कितने बार में जबरन हुआ आपसे। सर वन टाइम में। वन टाइम में हुआ। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। थैंक यू। वेलकम। जी बताइए आपने क्या क्या किए। सर आज हमारा एमएमसी क्लास था। अभी हमने एमएमसी निकाल के लगाया और तीसरे दिन हमारा पावर था और चौथे दिन हमारा सीपीयू था। आज हमने एमएमसी लाइव निकाला। वन टाइम किए। यस सर। चालू हुआ सेट आपका। फर्स्ट टाइम में हुआ सर। देखिए सर ये वर्क कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू सेट। फोन नहीं हो रहा। जी बताइए आपने क्या क्या किया। सर आज हमारे एमएमसी की क्लास थी। जैसे कि हम लोगों को बताया गया था कि मतलब तीसरे दिन में लाइव मोबाइल से हम लोगों ने पावर आईसी निकाली थी आज। और चौथे दिन हम लोगों सीपीयू। इसके बाद आज लाइव मोबाइल से एमएमसी निकाल के फिर से माउंट रिमाउंट किया। चालू हो गया। हाँ चालू हो गया वन टाइम में। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। इसी डेली।
हाँ जी बताइए जी सर भाई आपने क्या क्या किए तीसरे दिन पावर आईसी का था और चौथे दिन एमएचसीपीयू का लाइव था कि डेड फोन से था लाइव था सर फोन से था आज एमएमसी का क्लास था हमने निकाल के फिर दोबारा डाले सेट ऑन हो गया कितने बार में जब डन हुआ आपका फर्स्ट टाइम ठीक है थैंक यू सेट ऑन जी बताइए आपने क्या क्या किया जी हमने यहाँ आने से तीसरे दिन ही पावर आईसी में काम किया जो कि चालू मोबाइल से बाउंड्री माउंट किया उसके बाद सीपीयू में काम किया और आज हमारी ईएमसी क्लास थी जो हमने चालू मोबाइल से बाउंड्री माउंट किया और मोबाइल अभी भी चालू है कितने बार में जब डन हुआ आपका जॉब फर्स्ट टाइम ही डन हुआ है दिखाइए एक बार से चालू करके ठीक है थैंक यू जी बताइए जी हमने तीसरे दिन सीपीयू किया था चौथे दिन हमारा पावर था और आज हमारा ईएमसी क्लास है फिर मैंने ईएमसी निकाल कर दोबारा लगाया है ये देखिए सर चालू हो गया ठीक है थैंक यू हाँ जी बताइए जी सर बताइए क्या क्या किया आपने सर पहले हमने तीसरे दिन पावर सेक्शन का काम किया था जी उसके बाद हमने ईएमसी का सीपीयू का काम किया था और आज हम लोगों ने ईएमसी का काम किया वो भी चालू बोर्ड पे सर ये देखिए चालू फोन पे काम किया था थैंक यू और की प्रेस करो आपकी बैटरी है अरे बैटरी इधर दीजिए ना मेरे इसका फोटो चेक जी बताइए आपने क्या क्या किए सर आज ईएमसी का काम किया ईएमएमसी का इसी का तीसरे दिन आपने क्या किए पावर आईसी का काम किए थे चौथे दिन सीपीयू और आज आपका ईएमएमसी क्लास था ईएमएमसी में आपका किए माउंट रिमाउंट किए चालू हुआ कि नहीं सर चालू हुआ सर कितने बार में चालू हुआ एक फर्स्ट टाइम में ठीक है थैंक यू ओके सर तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज की तो तुमने फोल्डर दे गया ना और बैटरी तो तुम्हारे पास ही रखी थी एक बार चेक करो ना तुम्हारे इधर वो फोन दो ही तो उसका देखो भाई किसके पास पड़ी है सिक्स की बैटरी क्या बोला है क्या बोल रहे हैं तीसरे दिन सर पावर पर काम किया चौथे दिन सीपीयू और आज ईएमसी क्लास था वन टाइम ईएमसी निकाल कर लगाया जॉब डन हो गया थैंक यू ओके नीचे वाला है उस्मान मिली नहीं मिली अरे सिक्स की बैटरी देखो किसके पास रखी है जी सर हमने तीसरे दिन पावर लाइव पावर निकाल के रिबोल करके वापस लगाया चौथे दिन लाइव सीपीयू करा और सर आज एमएमसी का क्लास था आज एक ही बार में एमएमसी डन कर दिया सर थैंक यू सर बताइए आपने क्या क्या किया आज जो है ना हमारी ईएमसी की क्लास थी जी तो लाइव जो है ना ऑन मोबाइल से जो है ना ईएमसी निकाला और जो है ना उसको माउंट रिमाउंट किया सेट डाउन सर चलो होगा तीसरे दिन आपने क्या किया तीसरे दिन हमने जो है ना पावर किया था चौथे दिन
लाइव फोन से किए थे? लाइव फोन चालू हुआ था सर? चालू हुआ था। आज भी चालू हुआ? आज भी चालू हो गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब तार की मर्जी कर गए यार, बड़े खतरनाक काम करने वाला यार, तुम समझते नहीं है। दूसरे दिन पावर क्लास थी सर, चौथे दिन सीपीयू निकाला, आज एमएम से निकाल के देखो, लाइव एमएम से निकाला था, ये देखो ऑन है फोन, एक बार ही मैं थैंक यू टू ईशा टेलीकॉम। साथ 28 मई की मैच, हाउ टू जोश, फुल जोश, yes, तो क्या क्लास थी आज हमारी? यूएमसी की। तो किसने किसने की? yes, हमने की। yes, तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आपसे, तो क्या कैसी क्लास रही, क्या किया आपने, और मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहूंगा कि आपके भी हेड स्किल क्या और प्लस डायग्राम का सर्किट का नॉलेज कैसा है जो देव सर द्वारा तुमको दिया गया। सर हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जब थर्ड डे था तो सर हमने आते ही सर पावर उठा ली थी जी। पावर उठाने के बाद सर उसी दिन हमने सर वन टाइम में सर पावर रिवोल्व करके लगाया था, ठीक है। और सर फोर्थ दिन में हमने सर सीपी उठा लिया था, ठीक है। और सर उसके बाद में सर जितने भी सेक्शन हुए देव सर के साथ हमारे, जैसे ऑडियो बैटरी और ग्राफिक लाइट, और सर कल हमारा जैसे कि चार्जिंग सेशन हुआ था, तो सर उनका साथ ही साथ उसी दिन हमने सर पूरा के पूरा एमडी सर के साथ प्रैक्टिकल भी किया जी। और सर आज हमारा सर क्या बोले कि अच्छा कंपोनेंट की क्लास से देव सर आपके साथ है और सर्किटों का नॉलेज दिया, अगर उनकी जगह अगर कोई दूसरा टीचर अगर आपको नॉलेज देता तो क्या ये चीज मिल पाती आपको? बिल्कुल नहीं मिल पाती सर। कारण? क्योंकि सर देव सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो शायद तक किसी और को आता हो। बराबर है। तो आज क्या किया आपने? सर आज हमारी एमएमसी की माउंट रिमाउंट की क्लास थी जी। और सर जैसे कि एमडी साहब ने हमको पूरा बताया कि सर जब एमएमसी को उठाते हैं तो उसके नीचे कौन से दो मेन वोल्टेज है जो आने जरूरी हैं जिससे कि एमएमसी हमारी वर्क करती है। और सर वापस हमने सर पूरा का पूरा वोल्टेज चेकआउट किया, उसके सर बाद में सर हमने मेरे पास एक डेड फोन था जिसको मैंने एमएमसी उठा के लगाया तो सर वो ऑन भी हो गया। ठीक है सर, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू देव सर। मैं मुकेश कुमार झारखंड से। सर थर्ड डे हम लोग सभी ने पावर पावर को रिमोट और माउंट की जो चालू सेट से हम सभी ने किए, और थर्ड फोर्थ डे में डायरेक्ट हम लोग सीपीयू आईसी को खोला जो चालू सेट से ही हम लोग उसको खोल करके फिर दोबारा लगाए, और आज हम सभी का जो है सो एमएमसी की क्लास थी और चालू सेट से हम सभी ने एमएमसी को खोला। खोलने के बाद उसके अंदर में सारे जो भी सप्लाइयाँ थी उसके बारे में हम सभी को डीप नॉलेज मिली, और सारे सेक्शन के फॉल्ट की जानकारियाँ भी हम सभी को प्राप्त हुआ, और हमारे देव सर जो हम सभी को सारे कंपोनेंट्स और जितने भी सेक्शन की थ्री की नॉलेज दी, बहुत डीपली नॉलेज मिली है हम सभी को, जिसके लिए मैं देव सर को दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा और एसेट टेलीकॉम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। चलिए थैंक यू। हेलो जी, मैं महाराष्ट्र से सुरेश बात कर रहा हूं। सुरेश ये बताइए मेरे को कि आप जब पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन डे बाय डे आपको क्लासेस का नॉलेज कैसा मिला और तीसरे दिन आपने क्या किया? व्यवस्थित बैठले पूर्ण गैर तीसरे दिन से लाइव मध्ये पावर ऐसी बुझलो परत ये रिवॉल्व करून लगे चालू टाकली मी, परत नंतर देव सर सर पण आपले पूर्ण रजिस्टर कॅपेसिटर हे यांचा क्लास आहे त्याची पूर्ण माहिती व्यवस्थित भेटली, आणि नंतर पुन्हा लाईट आय सी ग्राफिक आय सी सिम आय सी पूर्ण याचं क्लिअर आणि कन्स्ट्रक्टर पूर्ण करून झालेलं आहे, आणि एकदम सगळे एकदम व्यवस्थित सांगितले आहे, आणि आज परत ई एम सी
सर जी, मेरा नाम है विशाल पटेल, मैं गुजरात से। हाँ जी सर, हम इधर फर्स्ट दिन आए थे तो हमको क्या उन्होंने सर ने पहले एक बोर्ड दिया, उनको दिखा कि हमको किस तरह से आईसी निकालनी है और उसको निकाल, मतलब उसका एक सही तरीका दिया। पहले हम आईसी तो निकालते थे, मतलब निकाल दो डाल दो हो या ना हो कुछ हो, पर जो सर ने तरीका सिखाया मतलब उससे हम क्या चालू बोर्ड पे निकाल भी गए और कंप्लीट एक ही बार में बिठा भी पाए और रिबॉल भी कर पाए, जैसे चाहे कोई भी टेम्परेचर हो या कुछ भी हो। और सर ने जो तरीका बताया कि उसमें तुम्हारे बॉल भी निकल, और क्या आईसी के लिए क्या पूरी जरूरी टेंसिल नहीं है, यूनिवर्सल भी कर सकते हैं, मतलब एमडी सर ने वो तरीका सीखा हम, जो इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। दूसरी बात, उसके बाद हमारी हुई क्लास जिसमें कंपोनेंट का ऐसा नॉलेज दिया कि हम क्या सोचते ये कंपोनेंट निकाल दो फोन चालू हो गया, पर ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है, मतलब छोटे से छोटा या बड़े से। वो देव सर ने नॉलेज दिया कि कुछ जीरो का या हो या चाहे 50 वोल्ट का कैपेसिटर क्यों ना हो, बराबर सब कुछ ज़रूरी है और उनका एकदम एंडलेस, मतलब समझो कि कोई नहीं दे सकता, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसा नॉलेज दे और सर ये ज़रूरी है, समझो कि क्या लोग जानते हैं जो जो यूट्यूब के नॉलेज लेते हैं कि भाई ये निकाल दो चालू हो गया, फिर क्या बाद में जब कुछ उससे ही इश्यू आता है, अभी तो फिलहाल टेम्पर नहीं चालू हो गया पर कल जाके उसमें फिर ज़्यादा वोल्टेज आएगा वो बंद हो जाएगा। पर देव सर ने बताया कि अभी कुछ नहीं वर्क है पर कब वर्क करेगा वो, उसका भी सर ने एकदम डीप नॉलेज दिया, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है जी। और उसके बाद क्या हुआ, हमारा सीपीयू का क्लास हुआ जिसमें हमको सीपीयू निकालने का तरीका बताया जी। और उसको यूनिवर्सल ट्रांजिस्टर, मतलब ओरिजिनल तो छोड़ो, यूनिवर्सल ट्रांजिस्टर सीपीयू रिबॉल करवाया और उसको कैसे लगाते और इसका कैसे परफेक्ट तरीका होता है वो भी सर ने सिखाया, वो एमडी सर ने सिखाया, उसके लिए भी मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और उसके बाद हमारी हुई देव सर के क्लास जिसमें उन्होंने इनके वाइज, मतलब ऑडियो सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, मतलब उसका इस तरीके से नॉलेज दिया कि चलो इसमें क्या मिसिंग होते हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, मतलब जो एक लाइन होती है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप जिसको हम फॉलो करेंगे ना, मैं मानता हूँ कि सर ने ऐसे स्टेप सिखाए हैं और जस्ट ऐसे ही नोट कराए कि समझो किसी बंदे को वो नोट भी मिल जाए ना तो बोलो 100% रिपेयरिंग कर देगा, ऐसे सर ने नोट दिला है, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद हूँ सर का। पूरे वर्ल्ड में फेमस है एशिया टेलीकॉम का डेट सेक्शन, ये कि आप 10 बेड पे कोई भी स्टूडेंट 10 बेड पे डायग्नोस करके बता देगा, डायग्नोस करके बताएगा कि मेरे सर मेरी एमएमसी खराब है, मेरा सीपीयू खराब है, मेरा पावर में फॉल्ट है या ले सेक्शन में फॉल्ट है। आप बोल रहे हैं ना सर, पर मेरे इतने दिनों के एक्सपीरियंस के मान के मैं चलता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना उससे भी ज्यादा अच्छा मिलेगा मेरे को नॉलेज। ओके, क्योंकि इतना ही है तो इतना रिस्पॉन्स मिला है मेरे को तो डेढ़ में, तो मेरे को सोचना ही नहीं क्योंकि उन्होंने इतने सेक्शन पढ़ा दिए, तो ऐसा ही माइंड में आ जाएगा जब डेढ़ फोन दे देंगे सर बता देंगे ये रीडिंग है, जैसे कि आज ईएमसी हमको कराया तो ईएमसी के साथ क्या रीडिंग थी, ईएमसी के बिना क्या रीडिंग थी वो भी दिखा, जैसे चार्जिंग में क्या रीडिंग होती है और चार्जिंग में नई रीडिंग, मतलब जो नॉलेज दे रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ डेंट के दिन हमको खाली जाके देखना ही है क्या सेक्शन में किधर से फोल्ड है, क्योंकि सभी सेक्शन ही इसी तरह के पढ़ाए ना कि डेंट के दिन क्या है कुछ है नहीं, जब ऐसे ही सबने मतलब एंडलेस पहले से इंडिया ने जो बेस बनाया ना, मैं मानता हूँ बिल्डिंग तो ऐसे ही खड़ी होनी ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो मैं मानता हूँ कि नॉलेज है ना एंडलेस है, ऐसा नहीं है हर एक को समझ में आता है, पर जब खुद से फील करते हो ना सर तो पता चलता है, मैं ये मानता हूँ। मैं इतने सालों से रिपेयरिंग कर रहा था, मतलब उसका कुछ जानकारी नहीं था, मैं थोड़ा बहुत लॉजिक जाता था, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं जान, पर इधर आके जो मेरे को नॉलेज मिला ना उसके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास ऐसे वर्ड्स ही नहीं है मैं बताऊँ, बस वो बात है सर। और दूसरी बात, आज हमने ईएमसी खोली उसमें क्या इस तरह के वोल्टेज आते हैं, ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं किसी सेक्शन में एक जगह पे वोल्टेज आता है सिर्फ अपूर्ण, पर ईएमसी में भी इतनी सारी जगहों पे अलग अलग एक ही वोल्टेज आता है और एक लाइन में भी मिसिंग हो गया ना उस लाइन में तो ईएमसी वर्क नहीं करती। हम सोचते हैं कि भाई इधर कॉमन है उधर कॉमन है, चलो इधर नहीं मिला तो उधर मिला, पर ऐसा नहीं है, ईएमसी के भी अंदर कुछ लगे होंगे जिनके लिए अलग अलग जरूरी मतलब एक एक ट्रेड, मतलब सर ने जो एमडी सर ने प्रैक्टिकल कराया सब जो लाइव था उसका, और ये मतलब रीडिंग दिखाया वोल्टेज चेक करवाया, उसके लिए भी मैं थैंक यू मानता हूँ इनको, और मैं मानता हूँ कि थैंक यू मेरे को इतना नॉलेज देने के लिए, और मैं आगे बढ़ूंगा ना तो 100% एशिया टेलीविजन का 100% योगदान है इसका। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
तीसरे दिन पावर मैंने मतलब निकाल के रिवॉल्व करके लगाया था सर, और वो एक ही बार में सक्सेस हुआ था। फिर चौथे दिन में सेपियो निकाल के लगाया रिवॉल्व करके, तो वो भी एक ही बार में सक्सेस हुआ सर। और फिर सभी सेक्शन का क्लास और फुल नॉलेज मिला है हमको, कोई भी सेक्शन हो जाए। अभी जब तक जितना सेक्शन हो चुका है, ग्राफिक, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, जो भी हुआ सेम सारा सेक्शन, कुछ भी फॉल्ट आ जाएगा सर 100% सही होएगा। और आज MMC का क्लास था सर, तो आज MMC रिमोट रिमोट किया, चालू फोन से निकाला और लगाया एक बार में, डन हुआ सर। यस सर। और ये क्या बोलता है MMC पे उठा करके कितना वोल्टेज, कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, क्या पूरा फुल नॉलेज मिला सर। यस सर। कब आपको CPU पे काम करना है, कब MMC पे काम करना है, ये नॉलेज मिला। यस सर, पूरा फुल नॉलेज मिला है सर। थैंक यू सर। मेरा नाम चेतन विजय है, मैं राजस्थान से हूँ। जी चेतन। और सर आज हमारी MMC का माउंट रिमाउंट क्लास हुई थी लाइव फोन पे, और MMC के अंदर कहाँ VCC जो भी वोल्टेज आते हैं, पैड लाइन की पूरी ड्राइंग बना के पूरी जानकारी मिली थी। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास जैसे अगर कोई सा भी MMC आता है तो उसकी पैड लाइन पूरी पढ़ सकते हो आप सर? हाँ, कोई से वो नॉलेज है आपको सर? एक्चुअली क्या सर, पूरा हमको शुरू में ही बता दिया गया कि कैसे IC कितनी हीट पे IC रखनी है, कितने पे निकालनी है, कितनी हीट पे बॉल बनेंगी, कितने एयर पे वो लगानी है। तो उससे जो भी फ्रेशर बच्चे भी आए हैं वो एक बार में IC लगा के एक बार में सेट ऑन कर रहे हैं। तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा इसी टेलीकॉम को, सभी को इतने अच्छे डिटेल नॉलेज। और जो साथ में आपका जो सेक्शंस हुए, जो अभी जो देव सर के कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 की क्लास, IC आइडेंटिफिकेशन की क्लास, क्या क्लास है वो सर? पूरा जो IC जितने भी क्वालकॉम, स्क्रैडम, मीडियाटेक, सैमसंग का है, जैसे ज़ाइनोक्स, जो भी CPU है उनके साथ कौन कौन सी MMC IC, कौन कौन सी पावर IC, सब पावर, चार्जिंग और साउंड IC, ऑडियो और IC और पावर। तो आप में से खाली बोर्ड देख के ये बता सकते हैं? यस सर। बोर्ड देख के, खाली CPU का नाम देख के बता सकते हैं? कौन सा मेन पावर होगा, कौन सा आपका सेकंड पावर होगा, कौन सी लाइट IC होगी, कौन सी ग्राफिक्स IC होगी? Yes, sir. देख के बता सकते हैं? Yes, sir. सर हमारा चार्जिंग का क्लास हुआ था, उसमें भी हमें OVP से लेके पूरा पूरे चार्जिंग के जितने भी आउटपुट इनपुट, CPU से कौन सा HDSL, I2C है, ISP है, जो भी पूरा प्रोटोकॉल वगैरह पूरा समझाया गया, पूरा सीक्वेंस के साथ बताया गया कि कैसे स्विचिंग होगी और उसके बाद कैसे बूट वोल्टेज बनेंगे और कैसे IC वर्क करेगी, पूरा डिटेल करूंगा आपको मैं। क्या आपको ये नॉलेज है कि हर सेक्शन में हम CPU के वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं? कोई सा ऐसा सेक्शन जिसमें CPU का वोल्टेज को बाईपास नहीं किया हमने? बिना CPU उठाए बाईपास करे हमने आपने सेट चालू किया, आपने खुद प्रैक्टिकल किया, डिवाइडर सर्किट बना के कैसे वोल्टेज को कम करना है, कैसे कितना वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे कैसे कम वोल्टेज करके पहुँचाना है, पूरे डीपली नॉलेज दी जा रही है और बच्चों को भी बहुत खुशी है, सब अच्छे से नॉलेज है। थैंक यू देव सर को, बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूँगा। थैंक यू MD सर जी। कितना अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद सलमान, मैं उड़ीसा से हूँ जी। और हमारा तीसरे दिन पावर IC पे काम किए, चारों मोबाइल से पावर IC माउंट रिमाउंट किए और वर्किंग हुआ। और हमारा उसके बाद में चौथे दिन पे CPU पे हम लोग काम किए, माउंट रिमाउंट किए। आज हमारे MMC का क्लास था, हमने माउंट रिमाउंट किए और चालू भी किए, और कौन सा पैड कहाँ जाता है पूरा डीपली नॉलेज मिला। MD साहब ने हमारे को बहुत अच्छे से बताया, प्रैक्टिकल किए और हमने पूरा मोबाइल भी चालू किया, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको सेक्शनों का नॉलेज, जो देव सर से कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 की क्लास और आखिरी क्लास थी अभी चार्जिंग की, और अभी दो क्लास आपकी बची है। आपको सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग की क्लास, है ना? नेटवर्किंग की क्लास में हम आपसे प्रॉमिस करते हैं सर, आपको नेटवर्क को चेक करने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जगह नहीं मिलेगी, 30 जगह पे आप नेटवर्क चेक कर सकते हो। यस सर। कहां से फॉल्टी है, जो नेटवर्क जिसका नाम सुनते ही ऐसा होता है कि सेट रिटर्न कर दे भाई, नेटवर्क बनेगा नहीं जी। पर बाकी एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट का कभी भी नेटवर्क का सेट खाली नहीं जाएगा। यस सर। आपको वोल्टेज की दुनिया नॉलेज देती है, पर बाकी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मल्टीमीटर काम नहीं करता, DSO काम नहीं करता, वहाँ काम करता है एक्सपीरियंस। कब कहाँ पे कौन से पॉइंट पे काम करना है, सिर्फ एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट को नॉलेज होगा। ये बहुत डीपली नॉलेज मिलता है सर। और एशिया टेलीकॉम की क्लास क्या एक महीने की है? नहीं सर, क्या दो महीने की है? नहीं सर, लाइफ टाइम की क्लास है। यस सर। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है,
बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम जाकिर हुसैन, दिल्ली से। जी जाकिर, हो रही है सर। अब तक तो हमारा ये पावर आई सी पी यू पे अच्छा काम हुआ, जिसमें लाइव निकाल के लगाया और फिर ऑल सेक्शन की डिटेल्स काफ़ी हद तक अच्छे से दी गई, जो हमें पूरी तरह से नॉलेज मिली। और आज हमने एम सी पे काम किया, उसके पाइप लाइन के बारे में जाना, उसमें इनपुट आउटपुट वोल्टेज आती है और हमने उसको लगाया, सक्सेसफुली काम करने हुआ। तो आज आज ईमानदारी से बताइए, आज आपने शूटिंग भी करी, कितनी बार एक आईसी को रिवॉल्व करके लगाया है? 25 से 30 बार लगाया। 25 से 30 बार। अभी ये स्किल कहाँ क्या बोलती है स्किल? वन टाइम में मैं कर सकता हूँ सर, किसी बार तो आईसी रिवॉल्विंग या शॉपिंग या वन टाइम में कर सकते हैं। वन टाइम में कर सकते हो, चलिए ठीक है। तो आपने एमएमसी का पेड के अंदर अगर आपको अगर नंबरिंग से आपको चेक करना हो तो कर सकते हैं, डायग्राम से आपके एमएमसी के पेड को मैच कर सकते हैं? बिल्कुल मैच कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आईसी को पढ़ना भी आईसी किस तरह से पढ़ा जाता है वो सब कुछ, आईसी की रीडिंग आई, काउंटिंग आई आपको आईसी की। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी मेरा नाम मारो है, मैं हमारे तीसरे दिन थी पीएम की क्लास जी, हमने अपना लाइव बोर्ड से निकाल के फिर लगाया और फोन को चालू किया। ठीक है, उसके बाद चौथे दिन हमारी सीपीयू की क्लास थी जी, सीपीयू को भी हमने लाइव बोर्ड से निकाल के वापस लगाया और उसको चालू किया जी। उसके बाद हमारे देव सर के साथ क्लास थी जी, और देव सर ने हमको बहुत ही कंपोनेंट का नॉलेज दिया डीपली जी। उसके बाद हमको ऑडियो सेक्शन का क्लास था, ग्राफिक्स का था, लाइट का था, चार्जिंग का था, ऑल सेक्शन का हमको क्लास डीपली नॉलेज दिया गया सर। और आज हमारी ईएमसी की क्लास थी और ईएमसी ने हमने लाइव मोबाइल में से ईएमसी को निकाला और वापस लगाया और लाइव एक ही बार में सर उसको चालू कर दिया फोन को हमने। तो ये नॉलेज इतनी जल्दी, अभी तो अभी तुम इंटर में की ग्रेड में हो, कैसा अपग्रेड हो रहा है आपका? बहुत बढ़िया अपग्रेड हो रहा है सर, देव सर के साथ कंपोनेंट 2 से लेके अभी चार्जिंग सेक्शन, अभी काफ़ी आपकी क्लासेस डेट की बाकी है, नेटवर्क की बाकी है, क्या नॉलेज मिला है, किस लेवल से नॉलेज मिला है? सर बहुत ही डीपली नॉलेज मिला है, जो खुद मैं बहुत नहीं जानता था कंपोनेंट के बारे में। आप काफी समय से काम कर रहे हैं, आप काफी समय से जो जानकारी मिल रही है वो बहुत डीपली जानकारी मिल रही है। क्या डायग्राम से पढ़ा रहे हैं हम? नहीं सर, बिना डायग्राम के हमारे मेथड बनी हुई है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। यस सर, और उसी का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बाकी में प्रैक्टिकल में हमको मिल रहा है वो। यस सर, मिल रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू आयुष बिहार से सर। हाँ जी, थर्ड डे क्लास हम लोग की ऑन बोर्ड से पावर आईसी निकालना था, वो सक्सेस भी हुआ सर, बहुत अच्छे से बताया गया था। और चौथे दिन हम लोग को डायरेक्ट सीपीयू से ऑन बोर्ड से सीपीयू निकाल के फिर से लगाना, तो वो भी सक्सेस हुआ। आज एमएमसी की क्लास थी और मैंने एमएमसी लाइव ऑन बोर्ड से निकाल के फिर से लगाया, वो ऑन ऑन बहुत अच्छा। आपको देखो एमएमसी निकालना लगाना ठीक है, that is very good thing। अगर वो जैसे वीडियो चल रहा है पीछे, अगर आपके डायग्राम खुला है और अगर एमएमसी के बालों को अगर पढ़ के वहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, कहाँ जी आ रहा है, कहाँ वोल्टेज चेक करना है, तो ये चीज कर सकते हैं आप? हाँ सर, वो मेरे को बहुत अच्छे से बताया गया, मतलब बॉलों को पढ़ के कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कहाँ पे क्या वोल्टेज आता है, कौन से ग्राउंड है, वो मेरे को बहुत अच्छे से बताया गया सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। सर जी नमस्कार। नमस्ते, नीलेश पटेल मुंबई से। हाँ जी नीलेश, जैसे कि फर्स्ट डे से लेके अभी तक दसवां दिन है, पहले दिन से हमको जो नॉलेज दिया है वो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमको कंपोनेंट की नॉलेज दी गई है जी, कौन से कंपोनेंट को कैसा बोलते हैं, जैसे कि ये मोबाइल लाइन में भेज है जी, उसकी पहचान होनी ज़रूरी है। उसके बाद में हमको SMD कैसा चलाना है, आयरन कैसा चलाना है, कैसा पकड़ना है, उसके बारे में सब नॉलेज दी गई है जी। बाद में थर्ड डे हमारा पावर आईसी चालू पीस में से पावर आईसी रिमूव करके हम लोगों ने रिवॉल्व करके वापस बिठाया और वन शॉट में हमारा काम हुआ है। फिर पांचवें दिन में हमारा चौथे दिन में हमारा सीपीयू निकाला हमने, फिर सीपीयू भी वन टाइम में सक्सेस किया। वो सीपीयू को कैसा रीड करना है, कैसा डायग्राम बनाना है, वोल्टेज नहीं आएगा तो कैसा बाईपास करना है, सभी नॉलेज दिया है। बाद में सेक्शन वाइज माइक, हेडफोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, कैमरा, हर एक चीज़ का पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज दिया है। चार्जिंग है, ग्राफिक्स है, लाइट है, जितने भी सेक्शन सभी का नॉलेज दिया है। और जितने भी सर है एशिया टेलीकॉम में, देव सर है, MD सर है, दुर्गे सर है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है उनको और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और आज हमारा EMC का क्लास था और हमको वो भी चालू पीस में से हमने रिवॉल्व करके अच्छे से लगा दिया है और बहुत नॉलेज मिला है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, झारखंड से जी। तीसरे दिन में हम लोग लाइव पावर से लाइव फोन से लाइव पावर निकाल के
माउंट रिमाउंट किया और एक ही बार में वो सक्सेस हुआ है और तीसरे दिन की क्लास और चौथे दिन में हम लोग ये सीपीयू माउंट रिमाउंट किया और वन शॉट में फोन ऑन हुआ है और बाकी बात ऑल सेक्शन पे सभी जानकारी हमको दी गई है। थैंक यू देव सर और ये आज हमारी इमेंसी पर क्लास थी तो हमने लाइव फोन से इमेंसी निकाला, उसके अंदर क्या क्या वोल्टेज होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या चेक करना होता है और कौन सी वोल्टेज मिलते हैं पहले, कौन से वोल्टेज बाद में आती है, सभी हमने चेक किया और लाइव रिमाउंट किया फिर इमेंसी को और चालू किया फोन। तो डे बाय डे कैसा नॉलेज मिला आपको? क्या पहले दिन आपको इमेंसी पढ़ाया था क्या यहाँ पे? नहीं, पहले दिन क्या पढ़ाया था आपको? जो भी पढ़ाया था आपने अंडरस्टैंडिंग है तो आपको नॉलेज जो देव सर ने दिया है, देव सर का हार्डवेयर का सेक्शन है जो 17 दिन चलता है आपका, 18 दिन चलता है, तो नॉलेज कैसा मिल रहा है? अगर इनके जगह अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ाता तो क्या आपको वो नॉलेज मिल पाता? हमको नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। मिल पाता क्या? नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैं आगे मतलब इतना डीप नॉलेज मिला है हमको कंपोनेंट के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में जितने भी मोबाइल के पार्ट्स होते हैं सभी के नॉलेज मिले। उसके बाद हमारी तीसरे दिन में लाइव पावर को माउंट रिमाउंट किए और फर्स्ट टाइम ही हम जॉब डन हो गया। उसके बाद चौथे दिन हम लोग सीपीयू की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने निकाल के फिर से माउंट रिमाउंट किए। उसके बाद हमारी देव सर के साथ सभी सेक्शन की डीप नॉलेज की जिस तरह से देव सर सभी सेक्शन की डीप नॉलेज देते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट में दे नहीं सकते हैं, इतना डीप नॉलेज देते हैं मतलब देव सर। इसके बाद आज हमारी EMMC की माउंट और रिमाउंट की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सभी ने जॉब डन किए। उसके बाद सभी लाइनों की नॉलेज, उसके बाद वोल्टेज की नॉलेज मतलब जिस वोल्टेज की रीडिंग आने से हमारे CPU और पावर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है वो सभी का नॉलेज मिला मतलब आज। इसीलिए एशिया टेलीकॉम का थैंक यू और देव सर और MD सर को भी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी। मैं मुकेश भाई छत्तीसगढ़ से। मैं बताना चाहूँगा कि एशिया टेलीकॉम में आते ही हमने तीसरे ही दिन में पावर IC में काम करा, उसे माउंट रिमाउंट करा, फिर चौथे दिन हमने CPU में काम करा, उसे माउंट रिमाउंट करा, वो भी ऑल मोबाइल में किया और सक्सेसफुली डन भी किया। इसके बाद आज हमने EMMC का काम किया जिसमें हमने ये जाना कि EMMC मोबाइल में लगी रहती है तो कितनी रीडिंग आती है और निकलने के बाद कितनी रीडिंग आती है, EMMC के पैडों में कितनी रीडिंग आती है, कौन सा वोल्टेज कौन से पैड पे आता है, ये सब हमने जाना। इतनी जानकारी देने के लिए मैं एशिया टेलीकॉम और साथ ही MD सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आपके सेक्शन चले जो देव सर के साथ जो कंपोनेंट की क्लास है अभी एंड तक जो सेक्शन चले वो सेक्शनों का नॉलेज अगर कोई दूसरा टीचर देता तो क्या आपको समझ में आ पाते क्या ये? जी नहीं सर, अगर कोई दूसरा टीचर ये नॉलेज देता तो इतना डीपली नॉलेज नहीं दे पाता, इतना समझ नहीं आता कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी चीज कितनी प्रॉब्लम आती है और कहाँ टेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से उसका सोल्यूशन हो सकता है, ये सब का नॉलेज सिर्फ एशिया टेलीकॉम में ही मिल सकता है। थैंक यू। सर मेरा नाम उस्मान अहमद है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सर हमारी तीसरे दिन जो है ना पावर क्लास थी, उसको हमने माउंट किया आम मोबाइल से। फोर्थ डे हमारी जो है ना CPU क्लास थी, उसको भी हमने माउंट किया। उसके बाद जो है सभी सेक्शन के अलग अलग क्लास हुई, उसकी मतलब बहुत डीपली नॉलेज मिली। आज हमारी MC की क्लास थी, इसके लाइव जो है ना फोन से हमने माउंट किया, उसके बाद जो है ना उसके अंदर वोल्टेज किन पे कितने आते हैं मतलब उसकी बहुत बारीकी से नॉलेज मिली। सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है,
मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ प्रदीप सर, हाँ। क्या लेने, काफी टाइम से काम कर रहे हो इस फील्ड में, और क्या लेने आए थे, तो वो चीज मिली कि नहीं मिली? सर हमें इससे बारीक चीज मिली है, देव सर ने हमें एक चीज समझाई है, हर सेक्शन में लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, स्पीकर हो, रिंगर हो, चाहे नेटवर्क सेक्शन हो, डेट सेट की हमारी कल परसों क्लास है, तीन दिन चलेगी, उसमें भी सर हमें बहुत डीपली नॉलेज मिलेगी, हम लेने आए हैं। और इसके लिए सर मैं एच टेलीकॉम को, देव सर को और एमडी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम योगेश पड़िया है, मैं एमटी से हूँ। देव सर की क्लास फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे सर ने कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पूरी नॉलेज दी, उन्होंने बताया कंपोनेंट की क्या वैल्यू, क्या जी आर, क्या वोल्टेज, जी आर क्या आता है, मतलब किस तरह से टेस्टिंग करते हैं। थर्ड डे में मतलब सर लाइव बोर्ड से मतलब पावर को निकाला और रिवोल था वापस से लगाया, ऑन सेट ऑन करके दिखाया सर। फोर्थ डे में अपना सी पी यू को लाइव सेट में से निकाला, फिर रिवोल करा, फिर उसको लगाया, एक ही बार में सर लगा दिया मैं। फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप सर ने रोज हमें मतलब सर्किटों का नॉलेज दिया, लाइनों का नॉलेज दिया, और डीपली में नॉलेज दिया, और फिर आज सर हमने एमएमसी चालू बोर्ड से निकाल के उसे रिवोल करके लगाया और आज फिर से उसे चालू कर दिया, एक ही बार में किया सर। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारे साथ सलाम अलैकुम। सलाम। तो हमारे साथ स्टूडेंट है और इनकी ज़ुबानी कुछ सुनना चाहेंगे आप, बताइए। जैसा मेरा नाम मोहम्मद मिन्नतुल्लाह होगा जी, मैं बिहार से हूँ जी। पिछले दिन पावर की क्लास थी जी, मैंने उसको निकाल करके निकाल कर मैंने लगाया जी। चौथे दिन आपका आई सी पी यू की क्लास थी, उसको भी मैंने निकाल कर लगाया। आज एमएमसी की क्लास थी, उसको भी मैंने ऑन फोन में उसको निकाल कर उसके लगाया। आज हमारी एमएमसी की क्लास थी और जो है तीसरे दिन हमने पावर आईसी निकाली थी चालू फोन से, चौथे दिन सीपीयू निकाला था और आज जो है एमएमसी चालू फोन से निकाली है हमने और दोबारा लगाई है और ये जो है फ़ोन फिर से दोबारा चालू हो गया है। बहुत अच्छे से किया है, सारी चीज़ प्रैक्टिकल भी किया है और डीपली नॉलेज भी किया है। ये प्रैक्टिकल खाली आप खुद करते हैं कि पूरी क्लास करती है? पूरी क्लास करती है। रिजल्ट सबके आते हैं? जी सर, सबके आते हैं। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अजीम, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हमारी एमएमसी की क्लास थी, जो 43 तारीख में सर ने मतलब पावर आईसी निकलवाई ऑन फोन से, बाद में सीपीयू ऑन फोन से निकाला और लगाया और आज एमएमसी निकाली ऑन फोन से, जो हमने बाद में रिमाउंट की अच्छे से, तो सेट भी हमारा ऑन हुआ। बाकी सभी लड़कों जितने भी हैं लगभग 30 हैं, सबका हुआ। और एमडी सर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बहुत अच्छी नॉलेज। सर्किट का नॉलेज की बात करें तो सर सर्किट की भी सभी नॉलेज है और सर्किट के बारे में भी सब, जो देव सर ने जो आपको सेक्शन में पढ़ाया समझाया अपना कंटेंट खुद का बना के दिया, डायग्राम से कभी नहीं पढ़ाया सर? हाँ डायग्राम, आप डायग्राम के होता जो किसी सेक्शन में क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, डायग्राम नहीं होता, वो अपने पास से ही, उनके पास खुद इतनी नॉलेज है कि वो डायग्राम बना सकते हैं किसी भी फोन का, किसी भी फोन का डायग्राम डायग्राम बना सकते हैं। और हमें उसी बेस के मतलब बेस से पढ़ाए गए हैं और हम भी इंशाल्लाह चाहते हैं कि मतलब आगे चल के ऐसा अगर कोई फॉल्ट आए जिससे मतलब डायग्राम ना हो और हम उसे अपने 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 माइंड से हाँ बना लें, बना सकते। तो ऐसे टेलीकॉम कब तक सपोर्ट करता है आपके? ऐसे टेलीकॉम लाइफ तक है, जब तक बंदा जिंदा तक तो उसमें सपोर्ट इंशाल्लाह रहेगी, मिलती रहेगी। हाँ मिलती रहेगी। थैंक यू। मेरा नाम साइलेंस सारे, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ सर, साइल कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी टाइम से आप काम कर रहे हो, आज मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूँ क्योंकि आज 27 तारीख से पढ़ रहे हो आप, 27 से पढ़ रहे हो चार दिन वो, और आज कितनी तारीख है? 5 दिन 12 दिन हो गए सर। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन के क्लास में। आज मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि एक अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको किस लेवल का नॉलेज मिला? सर बहुत हाई लेवल का नॉलेज मिला। देव सर की बात करें तो उनका टैलेंट तो सुपर से भी ऊपर है जी, और हमें उस लेवल का नॉलेज मिला। हमें यहाँ आने पे तीसरे दिन पे ही हमें सीपीयू माउंट रिमाउंट कर दिया गया लाइव फोन से जी, और फोन चालू ही मिला हमको जी। फिर चौथे दिन हमने उसको सीपीयू भी निकाल के रिवाल करके वापस लगाया, फोन चालू हुआ जी। फिर हमने उसमें बहुत से सेक्शनों का नॉलेज लिया, ऑडियो, फिर चार्जिंग आईसी,
ग्राफिक्स, लाइट आईसी, छोटी आईसी में जैसे एलडीओ कैसे बाईपास करना है, ये सब का भी नॉलेज मिला हमें। सभी सेक्शनों का अच्छा नॉलेज मिला। फिर आज हमने एमएमसी को भी निकाल के वापस से रिवॉल्व किया और कहाँ कहाँ वोल्टेज आते हैं, कितने आते हैं, वो भी हमने एमडी सर के साथ लाइव प्रैक्टिकल किया। ये तो आप देखो एमएमसी उठा के निकाल के तो बहुत टाइम से लगा रहे थे, पर बाकी जो ब्लेजर आज मिला है आपको वो ये ब्लेजर पहले था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एमएमसी निकालते थे, लगाते थे, फिर भी फोन नहीं बनता था, क्योंकि हमें वोल्टेज वगैरह लाइनों का नॉलेज ही नहीं था। और अभी आपका पूरा डेट सेक्शन बाकी है? यस सर, अभी डेट सेक्शन पूरा बाकी है, उसमें भी काफी मजा आने वाला है। अभी नेटवर्क का भी कल क्लास हमारा है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम को थैंक यू करना चाहता हूँ और देव सर को भी थैंक यू। वालेकुम सलाम, मेरा नाम यासीन है, मैं ओडिशा से हूं सर। हाँ जी यासीन, बताइए। डे बाय डे नॉलेज आप यासीन, पुराना वाला यासीन आज क्यों बदल गया? बहुत बदल गया सर, है बहुत बदल गया सर। हमारा आज यूनिवर्सिटी का क्लास था सर जी, और हम तीन दिन में पावर लगा दिए थे जी, चौथे दिन में सीपीयू लाइट फोन से निकाल के लगा दिए थे सर जी, और सेट ऑन भी कर दिए थे जी। और बाकी सर कंपोनेंट चार्जिंग सेक्शन बहुत सारा पढ़ाई हुआ जी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज मिला है जी, जो पता नहीं था बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद पता चला है सर जी। देव सर को मैं थैंक यू बोलूँगा सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी, और उनका नॉलेज भी बहुत डीपली नॉलेज है सर जी। और सर आज यूनिवर्सिटी का क्लास था सर, उसमें भी लाइट फोन से यूनिवर्सिटी निकाल के उसको पैड से कैसे करना है, उसका टोटल डाटा प्रैक्टिकल भी किया हूँ, एक बार को फोन डन किया हूँ सर यूनिवर्सिटी निकाल के जी। तो ऐसे टेलीकॉम को सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर मेरा नाम मोहम्मद दीन है, मैं मुंबई से। मोहम्मद दीन ये बताइए, मैं 27 तारीख से आज तक की बात करूँ मैं तो, कैसा नॉलेज अपग्रेड हो रहा है सर? एकदम डिफरेंट नॉलेज मिला। आज हैंड स्किल की बात करूँ, हैंड स्किल की प्रैक्टिस की बात करूँ या हैंड स्किल की बात करूँ, प्रैक्टिस तो घर जाके करनी है, जो काम करने की ट्रिक है वो ट्रिक पूरी तुम्हारी मुट्ठी में है कि नहीं? काम करने की ट्रिक एकदम अपने हाथ में है, पूरी एक एक पेड एक एक चीज़ों का नॉलेज चेक कर सकते हैं। और आपको जो डे बाय डे जो सक्सेस मिल रहा है, शुरुआत हुई थी आपकी आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास से और आज हो गया है, मतलब कल तुम्हारा नेटवर्क आने वाला है, तो बताइए कि कैसा नॉलेज मिला आपको? सर नॉलेज कल तो बहुत डीपली मिल रहा है, इसमें तीसरे दिन में पावर आईसी पर काम किया था जी, और चौथे दिन में सीपीयू रिवॉल्व पर काम किया जी, हमने चालू फोन पर किया जी जी सर। उसके बाद देव सर ने हमें स्टेप बाई स्टेप ऑल सेक्शन के बारे में जानकारी एकदम डीपली जानकारी। आज हमारा यूएमसी का क्लास था जिसमें हमको आईसी निकाल के चालू मोबाइल से सर वापस रिमोट करके लगाना था और उसकी पेडलाइन बनानी, उसकी पेडलाइन बनानी थी सर, और उसके सप्लाई के बारे में, वोल्टेज के बारे में एकदम डीपली नॉलेज मिला सर। जी सर थैंक यू। चलिए आइए, मैं बिहार से जंग बहादुर सिंह जी। जंग बहादुर काम बहुत समय से कर रहे हैं उस फील्ड में जी जी, काफ़ी समय से कर रहे हो जी, है ना, मुंह पे सफेदी आ गई है। पर बाकी अब नॉलेज की बात करें तो नॉलेज अभी 27 तारीख से आज 8 तारीख है, 8 तारीख तक नॉलेज कैसा मिला? बहुत बढ़िया सर, कोई राय नहीं, बहुत नॉलेज मिला है, बहुत बढ़िया हमको देव सर पढ़ाए हैं और प्रैक्टिकल कराए हैं जी, और आज एमसी का क्लास था जी, जिसमें हर पैड का हमको वोल्टेज और सप्लाई का कितना नॉलेज हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू देव सर। सर आज हमारा एमएमसी का क्लास था जिसमें हमने एमएमसी माउंट रिमोट ले रही सर। आज का दिन हमारी लाइफ में जब से हम इस फील्ड में उतरे, आज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए एक तरीके से, क्योंकि सर जिस दिन से हम यहाँ पर आए थे उसके पहले, मतलब कि अगर यूट्यूब से थोड़ा बहुत सर देख लिया हमने, और आईसी पे जब हाथ लगाते थे तो उसमें भी हाथ तोप पाते थे, और सर आज हमने पावर भी निकाला फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हमने सीपीयू निकाला, और आज हमने एमएमसी तक निकाल दिया। तो सर आज हमारे हैंड स्किल भी ऐसा हो गया कि मतलब हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पर आने से पहले हम क्या थे और आज हम क्या है। तो सर डे बाय डे हमारा मतलब नई रेट चेंज हुआ है देखने का, मतलब आज अगर 100% भी हमारा जितना भी अभी जो नॉलेज मिला है उसका हमको 5% भी नॉलेज नहीं था यहाँ से जाने के लिए। तो इसके लिए हम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मैं मुंशी मोहिरुल इस्लाम जी, वेस्ट बंगाल से जी। চার দিনের দিনে সিপিইউ, পরে অন্যান্য যে সব রকম কম্পোনেন্টে কাজ করেছি, আর আজকে EMC উঠিয়ে রিভলভ করেছি, তো আমার সাকসেস হয়েছে।
সাকসেস হয়েছে আর কাজ করে খুব ভালো লাগছে। जी शमशाद बताइए, डे बाई डे देखो काम आप पहले से भी कर रहे थे, दुकान भी थी आपकी और दुकान से यहाँ पर आए भी, तो अब 27 तारीख वाला शमशाद और आज वाला 8 तारीख वाला शमशाद में क्या फर्क है? बहुत फर्क आ गया सर, हैंड स्किल बहुत अच्छी हो गई है, पहले काम करने का तरीका अलग था, अभी तरीका चेंज हो गया सर। और सर लाइनों का नॉलेज हो गया, पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, कोई भी सेट आता था सीधा ऐसे उठाते थे लगाते थे, उसके बाद भी प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं था। वो समझ गया कब आईसी निकालना है कब लगाना है। दूसरी तीसरी दिन हम पावर आईसी को निकाला और लगाया, चौथी दिन सीपीयू को निकाला लगाया और आज एमएमसी की क्लास थी उसे निकाला और उसका पैड चेक किया और उसके बाद लगाया और सक्सेस हुआ। लाइनों का नॉलेज कैसा मिला देव सर के साथ, जो जो भी आपके सेक्शन हुए अभी तक, जो ऑलमोस्ट 2 सेक्शन बचे बाकी सारे सेक्शन हुए, तो क्या तरीका था पढ़ाने का, क्या मतलब क्या उन्होंने शुरू से लेके चले या रास्ते से लेके चले या किस लेवल का सर से नॉलेज दिया आपको? सर वो जो सर जीरो से पढ़ाना शुरू करते हैं सर। अच्छा, एकदम जीरो से पढ़ाते हैं, मतलब जीवन में आपने आपकी पीसी भी नहीं देखी कभी? जी सर, उसी तरीके से पढ़ाते कि सबको समझ में आए, जो फ्रेशर उसको भी और जो काम कर रहे उसको भी सर, जीरो से पढ़ाने का तरीका अच्छा है सर। तो फाइनली स्टूडेंट है हमारे साथ, मेरा नाम सुब्रत सरकार, मैं आसाम से हूँ। सुब्रत सरकार, यहाँ आने से पहले क्या करते थे? मैं तो मोबाइल का काम ही नहीं करता था, दूसरा कुछ काम करते थे। और फिर 27 तारीख से लेके जो अभी 8 तारीख तक जो आपका समय बीता है एशिया टेलीकॉम में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप चर्चा कीजिए। हमने दूसरे दिन आके यहाँ पे पावर आईसी का काम किया जी, चालू फोन से पावर आईसी निकाला, फिर माउंट रिमाउंट किया, ठीक है। तीसरे दिन हमने सीपीओ को निकाला पावर आईसी माउंट रिमाउंट किया जी, और आज हमारा एमएमसी का क्लास था जी। जो देव सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे अलग है, और जो कभी भी सोच रहा है जो मैं कभी भी मोबाइल का कुछ काम सीखूँ या ऐसा कुछ, तो मेरे हिसाब से एशिया टेलीकॉम जी यहाँ पे आओ और सीखो। थैंक यू, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए हेलो भाई, स्टूडेंट है और कुछ बोलना चाह रहे हैं वो, हम वापस से डबल से लाइव आए जी। एक्चुअली सर क्या, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, हम क्या ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, कुछ नहीं आता है तो क्या, सपोज कुछ भी बोल रहा है तो हम क्या यूट्यूब देख के काम करने लगते हैं। पर मैं खुद की एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने भी बहुत किया, ऐसा नहीं किया, पर इधर जो एक तरीका मिला था जो चैप्टर मैंने जो पहले ही बता दिया, उसके बाद हम रिबॉल की बात करते हैं तो सर क्या बोलते हैं सब लोग कि चलो इतना टेम्परेचर लग दो, इतना टेम्परेचर, मैं बोलता हूँ रिबॉलिंग में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके जो एमडी सर ने एक तरीका बताया था हम उसको किस तरह से रिबॉल करें, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी हिट भी आ जाए तब भी हम उसको रिबॉल करते, मतलब वो तरीका मेरे दिल को छू गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोल रहा हूँ, इसलिए दूसरी बार लाइव में आया। एयर को टेम्परेचर को और पीपीडी को होल्ड करते आ गया, होल्ड टोटल, मतलब समझो कि कुछ कौन सी भी गन ला दो आप और कौन सा सीपीयू ला दो, यूएमसी ला दो, मतलब यूनिवर्सल स्ट्रेंथ से हम कर सकते हैं, मतलब हमने कुछ उससे फीलिंग भी नहीं किया है, कभी एक्सपीरियंस भी उस गन का नहीं रहा, तब भी एमडी सर ने एक तरीका दिखाया, उस तरीके से हम जो करेंगे ना वो 100% एंडलेस, मतलब रिबॉलिंग, तो क्या अगर रिबॉलिंग की बात की जाए तो क्या रिबॉलिंग रिपेयरिंग में सबसे मतलब अहम किरदार होता है, बराबर है। हमको चलो फॉल्ट ढूंढना आ गया, शॉर्टिंग निकालना आ गया, तो अगर हम आईसी निकाले और सही तरह से बिठाएंगे नहीं जब तक, तब तक पेड मैन होने ही नहीं है, तो उसके लिए क्या बेस्ट मतलब मेन पॉइंट होता है जो रिबॉलिंग, जो सर ने आते ही पहले दिन हमसे पावर करवा दिया था, मतलब हम तो क्या सोचते थे मैच गई पर सब ज़्यादातर यही सोचते कि साला फ़ोन का पावर निकाल दिया, फ़ोन कैसे रन होगा, अगर पावर निकालने में पैर टूट गए हम क्या करेंगे, मतलब एक डर होता था सबके मन में, पर सर ने जिस तरीके से वो सिखाया ना, मतलब मानो कि 21 तरह का बोल दो इनका एशिया टेलीकॉम का वो है इनके पास 100%। और एक दूसरी अच्छी और ना बोली कि ज़्यादातर हम चार्जिंग सेक्शन करते थे, हम क्या जानते थे 5 वोल्ट आता है 4 वोल्ट आ जाता है बात ख़त्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है, चार्जिंग सेक्शन में भी 24 लाइन होती है, वो मेरे को इधर आके लाख मिले सही में, हम ज्यादा क्या कहते चलो 5 वोल्ट डीसी पे आ गया आगे आ गया, तो बैटरी में आ गया नहीं आया था ऐसे उठा लो ख़त्म कर लो,
ड्रॉपिंग हो रहे थे, किस वजह से वो बता ही नहीं रहे किसी को। मैं मानता हूँ कि बाज आ गए, बैटरी नहीं आ रही, बैटरी चेंज कर दो, सीसी बोर्ड, सब यही नॉलेज, सबका यही प्रॉब्लम होता है, पर ये होता नहीं है। कितनी मतलब चार्जिंग में तो इतने वोल्ट है ना कि चार्जिंग आईसी को छुए बिना भी उसको बना सकते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई वोल्टेज आ रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, सेंस नहीं हो रहा है, बदल दो आईसी हो गया। अरे नहीं होता है ऐसा कुछ। इधर जो नॉलेज मिल रहा है ना वो एंडलेस है। मैं बोलता हूँ जीरो टू जीरो है, मतलब समझो कि कुछ अगर कोई लाइन पकड़ते हो ना, जैसे कि हम पकड़ो बिजली है, तो किधर से किधर जाएगी, मतलब कुछ भी वोल्टेज, जैसे चार्जिंग का वोल्टेज इधर से आके सीपीयू तक कैसे जाएगा ना, वो भी देव सर सिखाए। मतलब मैं बोलता हूँ बीच में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी कि जिधर वोल्टेज गायब हो जाए और कहीं आसपास से टपक जाए, ऐसा कोई नहीं छोड़ा है। ना ही डायग्राम से पढ़ाया? अरे ना ही डायग्राम से पढ़ाया, ऐसा नहीं कि चलो भाई अपना बॉन्ड न्यू खोल दिया और किधर से किधर क्या जाता है, मैं नहीं मानता हूँ। अगर कोई फोन भी आ गया ना मेरे पास, समझो कल नया फोन लॉन्च भी होके आ गया ना, तो मैं देव सर की टेक्निक से 100% उसको बना के रहूँगा। अच्छा, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि देव सर ने अभी आईफोन का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आईफोन 7 डाला है, एक्स की तैयारी चल रही है, 6 डाला है ना, और 7 कॉम्प्लीमेंट्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं वो, और अभी एक्स की तैयारी चल रही है, तो थोड़े से उस चीज़ पर आप रोशनी डालना चाहेंगे आप? अगर कोई अगर हैंड स्किल जानता है और वो बंदा अगर वो कोर्स अगर लेता है तो उसको क्या मिलने वाला है? मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आईफोन सीखना है तो आईफोन नहीं है, बेस तो एंड्रॉयड है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या है कंपोनेंट, मतलब जो देर साल फर्स्ट दो दिन कंपोनेंट करा दे ना, पहले तो क्या लगता है कि यार ये रजिस्टर क्या है वगैरह वगैरह, हम तो कुछ भी मान के कुछ भी कर देते थे पहले, तो कलर से कैपेसिटर रजिस्टर के भी कितने कलर होते हैं वो भी नहीं मानते थे हम, तो क्या काला आएगा रजिस्टर, बात खत्म हो गई, और क्या कभी कभी वो व्हाइट वाला, हम तो उसको ग्राउंड ही कर देते, हमको बता भी नहीं था कि ये सेल्स के लिए भी काम होता है। मतलब इतनी नॉलेज है ना कि सोचो मत, इसका कोई मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। और एक दूसरी बात कि आपने जैसे बताया आईफोन का कोर्स, मैं मानता हूँ आप एंड्रॉयड में बेस्ट हो, एक बार एंड्रॉयड सीखो फिर देव कर का 100% आप कोर्स लोगे ना, तो मैं नहीं मानता हूँ आईफोन के तुमको 2 लाख या 3 लाख के कोर्स करने हैं, क्योंकि सर इधर जो एंड्रॉयड का नॉलेज है ना, मेरे को लगता है आईफोन में मैं खुद तो ट्राई करूँगा, पर मैं खुद से एक मेरी रील बनाऊँगा, उसका नॉलेज के शेयर भी करूँगा, और ये MD सर को भी मैं शेयर करूँगा वो रील मेरी उधर जाके, मतलब उसको देखने के बाद फिर उसका भी मेरा खुद का रिव्यू ले लेना कि उनका क्या है, क्योंकि सपोज़ अभी तो मैंने उसको लिया नहीं, पर मैं अभी मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि अगर जो बंदा इन एंड्रॉयड में भी इतना एंडलेस हो रहा है तो फिर आईफोन में तो किस तरह का नॉलेज देगा। मैं बोल रहा हूँ ये सब तो क्या आईफोन देख के बॉट देख के घबरा जाएंगे। अच्छा, तो आईफोन को कोई एक्सक्लूसिव करा है, कितना सस्ता दिया है अपन ने? वही मैं वही सोच रहा हूँ कि सर के 5-6 या 8 हज़ार या 10 हज़ार में आईफोन 6 का डीप नॉलेज, मतलब मेरे तो माइंड में नहीं बैठ रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी सर ने रखा है ऐसा, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो जरूरी है, मतलब कुछ लोग नहीं आ सके वो मेरा नॉलेज लेके पढ़े। नहीं, सर का एक सपना है कि अगर जो भी बच्चा स्टूडेंट है जो पैसे के कारण खाली आईफोन नहीं कर पा रहा तो वो करे वो। 100% सर, मैं बोलता हूँ कि चलो आप मेरी अच्छी कंडीशन, पर कुछ लोग क्या थोड़ा बहुत पैसा जुड़ा के कर लेंगे एंड्रॉयड, फिर सोचेंगे साला एंड्रॉयड तो मैंने कर दिया 50-60-70 हज़ार में, चला एंड्रॉयड तो आईफोन तो 2-3 लाख का कोर्स है, चलो आईफोन हमने बना नहीं। पर सब सर ने हमारे बारे में, मतलब सबके बारे में सोचा है कि कोई छोटा भी हो उसके पास, मतलब उसका मतलब मनी का सेटिंग ना हो या कुछ भी फाइनेंशियल इश्यू हो, तो उनके बारे में भी सोच के इतना सर ने जो कोर्स बनाया ना उसके लिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इतना दिल से समझो ना। और मैं मानता हूँ कि सर पढ़ाते इस तरीके से, और उनकी थिंक भी ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि तुम खाली पढ़ो मत, सीखो मत, तुम ऐसा पढ़ो कि आगे जाके तुम का खुद का इंस्टीट्यूट खोलो। मैं बोलता हूँ ऐसा कोई सर अभी पैदा नहीं हुआ है कि अपने कंप्यूटर को आगे जाके खड़ा करे। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरा कंप्यूटर हटे तो मेरा प्रॉफिट बढ़े, पर सर ऐसा सोचते हैं कि साले मेरे से बच्चे पढ़ के खुद का इंस्टीट्यूट खोले और उनसे मेरे से भी आगे जाए, मतलब सर की सोच ये है ना वो नेक्स्ट लेवल वाली है, उनको मैं सैल्यूट। मतलब सोच है ना, बात मत उसके लिए मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे, क्योंकि देख लो आप ये फील कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा ये फील कर रहा हूँ मैं, और ये सच है सर, मैं मुझे दिल से बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ है, बाकी थैंक यू बोल रहा हूँ।